नमस्कार, अखबार जगत में आपका स्वागत है। इंदौर के विजयनगर थाने में राखी लेकर पहुंची एक नन्ही बालिका। जी हां, इंदौर के विजयनगर थाने पर एक नंदा नाम की नन्ही बालिका पहुंची और कहा, पूरे स्टाफ को मैं राखी बांधना चाहती हूं। इस पर विजयनगर TI साहब तहजीब काजी ने कहा, आप पुलिस को राखी क्यों बांधना चाहती हो? इस बात पर बालिका ने जवाब दिया, आप लोगों ने पूरे लॉकडाउन जनता की हिफाजत की है, वही लोगों ने पथराव भी किए, अनगल बातें भी कही, इसलिए आपकी लंबी उम्र की कामना के लिए आपको राखी बांधना चाहती हूँ। इस पर पूरे स्टाफ ने बच्ची से राखी बंधवाई। बहुत ही अच्छा लगा हमें भी कि ये बच्ची आई और उससे जब हमने भी पूछा कि भाई अब तुम राखी क्यों बांधना चाहती हो पुलिस को, तो उसने बताया कोरोना काल में आप लोगों ने हमारी रक्षा की, बहुत अच्छा काम किया, तो ये धागा और भगवान महाकाल आपकी रक्षा करे, इसलिए हम आपको राखी बांधना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि बच्ची भी बहुत अच्छी रहे, बहुत उन्नति करे, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। जज्बात तो सर बहुत अच्छी बात है सर, ये उस गुड़िया के दिमाग में ये बात आई कि पुलिस ने हमारा सहयोग किया है, साथ दिया है, हमारे साथ में अच्छा काम किया है, अच्छा व्यवहार रहा उनका पुलिस का, उसी के परिणाम स्वरूप उसको प्रेरणा हुई होगी। और उसने सबसे पहले TI साहब को जब राखी बांधी तो उसके यही शब्द थे कि आप लोगों ने हमारी रक्षा की है, बाबा महाकाल आपकी रक्षा करेंगे, इसी उद्देश्य से उनके दिमाग में आई तो उन्होंने रक्षाबंधन में सूत्र रक्षा सूत्र बांधा है। सुबह से जब हम उठ के हमने सोचा कि चलो ठीक है आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, क्योंकि ड्यूटी के कारण व्यस्तता ज़्यादा थी, दिन भर हम लगे रहे। TI साहब भी सुबह 10 बजे 9 बजे से ही आके क्षेत्र में भ्रमण करने लगे थे, हम लोग भी आए, तो मैं कोर्ट का कार्य देखता हूँ यहाँ पे, तो कोर्ट से भी तमाम फोन आ रहे थे सुबह से, तो हम चले गए थे। अभी तक हमको राखी नहीं बंधी थी, तो अब सोचा था जाके, लेकिन जीजी आई, अच्छा लगा कि उन्होंने चौराहे पे ही आके हमको बिल्कुल बड़े सा सम्मान बोला, बोले आप लोग बहुत मदद करते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं, इसके लिए उनको अंदर से विचार आया, तो उन्होंने सभी को बांधा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ अखबार जगत में।